पता है मैं कौन हूँ? शंका उस्ताद स्मार्ट शंका। तूने ही अपने को मारा था ना? मैंने कब मारा था तुझे? तू तो अब भी जिंदा है। चिचा कहानी नहीं सुनाने का चिचा। अब उनके दिमाग में भी दिमाग है। अभी अपन है उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आ चुके हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। गाइस आज हम खेल रहे थे पबजी ग्लोबल। पबजी ग्लोबल में इतना तबाही मचा भाई किसी ने सोची ना होगी। ऊपर से भाई रैंडम लोग इतना रिपोर्ट मारे ना गाइस, क्या ही बोले। आप लोग को देख के मजा आ जाएगा। ऊपर से स्टार्टिंग से जो क्लिप देखे गाइस, वो क्लिप पूरा होता है कि नहीं होता जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाता है। ये वाला भंडार मुझे नहीं पता यार इसका नाम क्या है, जो भी हो भाई कुछ भी, चलो गन तो मिल जाता है। अब जल्दी से रस कर देते हैं। सामने एक बंदा, इसको नॉक फिनिश करते हैं। तो दो बंदा सामने क्लोजिंग कर रहे हैं, इसको नॉक करके तुरंत रिलोड करते हैं और आगे चला जाते हैं। इसका टीममेट बचाने के लिए तो आता है, लेकिन इससे क्या पता था भैया, स्केंडर ओपी मार रहे हैं भाई। गोली चले तब तक, पेटी ना बने जब तक, पता है ना भाई। अब जल्दी से थोड़ा बहुत लूट करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि आगे अभी भी बंदा पड़ा हुआ है यार। अब जल्दी से लूट करना पड़ेगा क्योंकि यूएमपी में मेरे पास गोली नहीं है। तो चलो गाइस लूट तो थोड़ा बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आगे जाके पता चले सामने वाले घर में बंदा है। चलो गाइस इसको तो नॉक फिनिश कर देते हैं। दिन मेरे को साउंड आते सामने वाला घर में, मतलब जो भी हो यार इसके ऊपर एक बंदा होता है, तो हम इसीलिए सामने जाते हैं पहले हिल करके। दिन पता चलता है बंदा लेफ्ट साइड में वॉल के पीछे चला जाता है। ऐसा स्कैम करना चाहता था, ऐसे कैसे होता है यार बाबू, ऐसा नहीं होता है भैया। अब चलो गाइस जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं। अब फिनिश करने के बाद आगे चला जाते क्योंकि आगे की साइड में भी फाइट हो रहा था। तो हम आगे जाते तो मेरे को पता चलता सामने ऊपर बंदा है, तो इसके वजह से हम एक मॉली करते हैं। लेकिन मॉली से कुछ नहीं होता है, तो इसके ऊपर और एक बंदा रस कर देता है। ओ भाई साहब ये तो आया था रस करने, लेकिन इससे क्या पता था भैया, स्केंडर तो पूरा पेटी बना देता है भाई। अभी तक मेरे को लग रहा था कि सामने बंदा है, मुझे नहीं पता था जो सामने रस करने के लिए आया था उसने उसको मार दिया। इसकी वजह से हम ग्रेनेड मॉली सब कुछ करते थे क्योंकि मुझे पता था ऊपर बंदा है भैया। लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा था, तो आगे जाते उसी टाइम में ऊपर से पड़ने लगता है, तो हम जैसे तैसे करके तो कवर में चला जाते हैं। अब देखो गाइस इसको कैसे भाई फोड़ते हैं भाई, लिटरली फोड़ देंगे भाई। अब हल्का सा क्लोजिंग कर लेते हैं। अब गाइस देखो ये वाला ग्रेनेड देखो, चलो गाइस सब लोग बोल लो बूम। आइए क्या ही बोले गाइस, मजा आ गया भाई, क्या ही फोड़े बंदे को। देन बंदे को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन बंदा ऊपर होता ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार। देन सोचे छोड़ो यार सामने वाला बंदे को ढूंढने आते, तो सामने वाला बंदा भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी टाइम पे ये वाला बंदा मिल जाता है मुझे। देखो भाई कितना नादान था यार, ऐसे भाई घुटने पे आ रहा था, मुझे मारने का एकदम मन नहीं था यार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, लूट तो करना ही पड़ेगा। अब इसके पास से मेरे को दो दो रेड डॉट मिल जाता है गाइस। अब चलो गाइस जल्दी से रेड डॉट लूट के और आगे चला जाते क्योंकि भंडारा पूरा खाली हो चुका है। तो आगे जा रहे थे, देखो गाइस हम ये वाला क्या बोलते भाई, इसको पता नहीं यार क्या बोलता, मुझे नहीं पता। अब देखो सामने मुझे बंदा दिख जाता है, अब भाई इससे मार नहीं पा रहे यार, क्या ही करे। बंदा तो अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, लेकिन इसका टीममेट्स का नसीब इतना अच्छा नहीं है भैया। देखो क्यों बोल रहे हैं,
भाई इसका तो पूरा पेट ही बना देंगे भाई। अब देखो गाइस ये वाला झूला जो भी है भाई, ये खत्म होने के बाद वो बंदा आता है भाई, वो हॉवरबोर्ड लेके आता है या स्केटबोर्ड कुछ भी बोलो यार आता है, लेकिन इसको भाई ज्यादा आगे तक जाने नहीं देते। देखो गाइस लो भाई ऐसे ठील गया भाई, क्या ऐसे चलेगा भैया। लेकिन उसके पास देखो इसका टीममेट्स भी अच्छा खासा डैमेज हो जाता है भाई। तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से हम रस कर देते। मेरे पास भी स्केटबोर्ड है भाई, हॉपर बोर्ड है कुछ भी बोलो यार, तो हम तुरंत रस कर देते। लेकिन मुझे क्या पता था भैया कि राइट से भी दो बंदा इसको कवर दे रहा है, मे बी इसका टीममेट्स है। तो सामने एक बॉट होता है, तो हम बॉट को छोड़ देते यार, बॉट को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखो भाई सबसे पहले हम एक मॉली करते हैं, लेकिन हम सोचे भाई थोड़ा सुपर मॉली कुछ तो काम में आएगा, तो ये वाला मॉली कर देते। मुझे नहीं पता यार कि कौन सा काम में आता है, तो हम कर तो दिए। तो करने के बाद देखते ओ भाई साहब इससे तो नॉक हो गया, चलो भाई और एक करते हैं। चलो अब लेफ्ट साइड में तो पक्का आ गया होगा, तो लेफ्ट साइड में भी कर देते। उसी टाइम पे तुरंत मेरे को राइट से पढ़ने लगता है। अब इन दोनों को देखो क्या करते हैं, एक नॉक और एक बंदा आ रहा है ओपन से भाई बचाने के लिए। चलिए गाइस इसको भी घुटने पे ले आते हैं, देन आगे जाते हैं एफपीपी करके। चलो भैया ऐसे कैसे जा रहे थे बार बार, आप सबको फिनिश करेंगे। चलो गाइस सबको फिनिश कर दे। गाइस अगर अभी तक आप लोग को मजा आ रहा है तो एक लाइक कर दो यार भाई, समझ के थोड़ा सा सपोर्ट ही कर दो यार। अब देन आते आगे की तरफ, तो मुझे पहले से ही बंदा दिख गया था दूर से, तो हम गाड़ी छोड़ देते धीरे धीरे करके आगे जा रहे थे। लेकिन स्पाइडर वेब काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या डुप्लीकेट उठा लिया होगा मे बी। तो हम आगे जाते हैं, थोड़ा मुक्का मार के जाते यार कि उसे पता ना चले भाई हम आ चुके हैं। अब देखो गाइस इन लोग के साथ क्या ही स्कैम कर देते पूरा, एक बंदा राइट में है एक बंदा लेफ्ट में है, इन लोग को एकदम पता नहीं चलने देना चाहिए भाई, कैसे मारेंगे भाई तब ना वाकई मजा आएगा भाई। अब एक बंदा राइट से जा रहा है, इसको नॉक करते हैं, इसको भी फिनिश कर दिया। लेकिन दूसरा वाला बंदा मुझे स्पॉट कर लिया, तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई फिर से स्पाइडरमैन बन जाओ यार, आप देखो इस बंदे को पता ही नहीं चलेगा भाई इसका पेटी कैसे बन गया, वो सोच रहा है कि सामने हम। भाई खत्म टाटा बाय बाय क्या ही बोले गाइस, इसको तो पता ही नहीं चला यार। देन देखो गाइस हम सामने की तरफ जा रहे थे, लेकिन मेरे पीछे भाई एक बग्गी पड़ जाता है यार, बग्गी वाला ज्यादा ही जोश में था, तो इसको जोश थोड़ा ठंडा कर देते। देखो गाइस क्या करते हैं, ओ भाई साहब बंदे ने क्या ही डैमेज दिया गाइस, क्या ही बोले भाई, बहुत सही स्प्रे दिया यार। अब जल्दी से मुझे कवर में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इधर ऐसा सीन चल रहा है ना भाई, कहीं से भी बंदा आके मुझे मार सकता है। तो हम कवर में जाके सबसे पहले हील करते हैं। अब हम हील ही कर रहे थे शेल्टर वाला भंडारा में, भाई मेरा टीममेट्स को किसी ने नॉक फिनिश कर देता है, तो मुझे आ जाता है गुस्सा। हम बोले ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं होता है यार। तो चलो गाइस बदला लेने के लिए आगे चला जाते, आगे जाके देखते भाई बंदे लोग तो भाग रहे हैं यार, लेकिन भाई बंदे भी क्या ही दिमाग लगाता है यार। देखो गाइस क्या होता है, बंदा फायर देख के रुक जाता है मुझे मारने के लिए, तो सबसे पहले मुझे कवर में जाना पड़ेगा। अब एक बंदा लेफ्ट साइड से रोटेट करेगा, एक नॉक, इसको फिनिश कर देते हैं क्योंकि ओपन में पूरा। अब देखो गाइस और एक बंदा पेड़ के पीछे, तो देखो गाइस हम सोचे भाई ये वाला जो लॉन्चर है तो भाई इसका कुछ तो फायदा होगा ना यार, तो पहले हम उसका विजन ब्लॉक करते हैं। हम सोचे थे भाई मेरे पास ही बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन बंदे के पास भी कम नहीं है यार। अब देखो गाइस क्या होता है, हम लॉन्चर सेट करते हैं, भाई बंदा भी क्या ही दिमाग लगाता है यार। देखो गाइस हम लॉन्चर सेट करके उसके पास जाते, बंदे ने लॉन्चर सेट करके मेरे पास आ जाता है। देखो
भाई साहब, लेकिन कहीं ना कहीं तो गिरेगा गाइस। अब देखो हम वेट कर रहे थे, गिर जा भाई गिर जा। ओ भाई साहब क्या ही स्कैम हो गया यार, क्या ही स्कैम हो गया गाइस, मजा आ गया गाइस। जल्दी से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो अब, फिर से बग्गी लेके आगे जाते भाई, ग्रोजा वाला आ जाते मेरे ऊपर। भाई साहब लास्ट गोली लग जाता है यार, कवर में जाने नहीं देता है। कोई बात नहीं गाइस, हम जल्दी से हिल कर लेते, हिल करके हम टावर की तरफ चला जाते, क्योंकि टावर के ऊपर जाना मुझे लग रहा है कि सही होगा, क्योंकि बंदा स्पॉट हो जाएगा। तो हम ऊपर जाते हैं, और मेरे को पहले से पता था इधर एक बग्गी आता है तो बंदा पक्का इधर कहीं ना कहीं तो होगा। मेरे को लग रहा था कि हाई रिच पे ही होगा। देन देखते हैं कि लेफ्ट साइड में, मतलब पीछे के साइड में रेड हाउस में भी एक बंदा होता है, तो सबसे पहले हम पीछे वाले को मारने की कोशिश करते हैं। अब पीछे देखते हो तो बंदा स्पॉट हो जाता है। चलो गाइस इसका तो पेटी बना देते हैं। अब रेड हाउस वाले को देखो गाइस कैसे मारेंगे, कि भाई रेड हाउस वाले के पास डीबीएस होता है यार, पता नहीं भाई यूरोप का प्लेयर ऐसा होता है क्या, डीबीएस शॉटगन ये सब ज्यादा चला आता है। अब हम आईक्यू लगा कि इसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बंदा भी बहुत सही आईक्यू लगा रहा था देखो। ओ भाई साहब एक पड़ता ना मुझे चाटा भाई, मेरा तो पेटी बन जाता तुरंत। अब देखो फिर से हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर आते ही मुझे पता चलता है भाई बंदा तो सब चारों तरफ लेटा पड़ा हुआ है। गाइस देखो हम सबसे ऊपर आ गए, अब मुझे बंदा स्पॉट हो जाते हैं। हम पहले सोचते भाई इसको थोड़ा मजा लिया जाए यार, लेकिन चलो यार भाई जम करके टीम अप कर रहा था यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं गाइस, लास्ट बंदा बचता है। अब देखो लास्ट बंदा कहाँ पे होता है भाई, हाई रिच का तो यही तो एक फायदा है यार, सबसे ऊपर रहो यार, नीचे मत रहो। अब बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। ओ भाई साहब क्या ही टट्टी जैसा स्प्रे था यार। चलिए गाइस कोई बात नहीं, इसी के साथ ही 23 किल के साथ ये वाला गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग का आज का गेम प्ले अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।